हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनी स्मार्ट क्लास। आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बाय इजी वे। इस टॉपिक के अंतर्गत हम आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान बनाने के नियम, स्ट्रक्चर और साथ में कुछ इसके एग्जाम्पल्स भी बताएंगे। आप एक बात ध्यान में रखिए, आपको ये टेंस तभी समझ में आएगा जब आपसे वर्ब के थर्ड फॉर्म अच्छी तरह से बनेंगे। सो आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप वर्ब के थर्ड फॉर्म को अच्छी तरह से याद कर लीजिए, जिससे आपको इस टेंस में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आइए अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो ये रहा आपके सामने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसको हिंदी में वर्तमान पूर्ण काल कहते हैं। इसे वर्तमान पूर्ण काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस टेंस में जो है तो किसी कार्य के पूर्ण होने का बोध होता है। मतलब पूरी तरह से ये स्पष्ट हो जाता है कि हमारा कार्य जो है तो वर्तमान समय में, मतलब आज के समय में पूरा हो चुका है। तो चलिए इसकी सबसे पहले हम पहचान लिख लेते हैं। यहाँ लिखते हैं पहचान। तो इसकी पहचान है हिंदी वाक्य के अंत में, हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हों या आ है, ई है, ए है, ए हों आदि शब्द आए, शब्द आए तो वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कहलाता है। परफेक्ट टेंस का कहलाता है। तो मैंने यहाँ जो है तो राइट कर दिया है पहचान में कि यदि हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हों या आ है, ई है, ए हैं, ए हों आदि शब्द से रिलेटेड कुछ भी अंत में आ जाए तो वो वाक्य जो है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही कहलाता है। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। अधिकांश जो है तो कन्फ्यूज करने के लिए आ है, ई है, ए हैं इस टाइप का भी दे देता है। तो आप यही मानिएगा कि अंत में है और इस तरह जो है तो मात्राएं लगी हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही वो सेंटेंस कहलाएगा। तो आइए इसके बनाने के नियम आप राइट कर लेते हैं। तो यहाँ राइट करते हैं बनाने के नियम। तो यहाँ फर्स्ट नंबर राइट करते हैं ही, सी, इट, एंड, एनी, सिंगुलर, सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज रखते हैं। और सेकंड राइट कर लेते हैं आई, यू, वी, दे, एंड, एनी, प्लूरल, सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव रखते हैं।
और थर्ड नंबर इसका रूल राइट कर लेते हैं, फिर सदैव वर्ब का थर्ड फॉर्म मीन्स तीसरा रूप जो है तो रखते हैं। और सबसे लास्ट में राइट कर देते हैं, फिर अंत में अदर वर्ड ऑब्जेक्ट रखते हैं। तो मैंने यहाँ जो है तो बनाने का नियम जो है तो राइट कर दिया है कि यदि ही शी इट या कि कोई नाम एक रहेगा तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब या कहें कि सहायक क्रिया हैज रखते हैं, और आई यू वी दे या कि कोई प्लूरल सब्जेक्ट या कि कहें बहुवचनकर्ता या कि कह सकते हैं कि कोई नाम एक से अधिक हो, मतलब एक से ज़्यादा जब नाम हो तो उसमें जो है तो सहायक क्रिया हैव रखा जाता है। और फिर इसमें ये बात ध्यान में रखने वाली होती है कि इसमें सदैव वर्ब का तीसरा रूप रखते हैं, मीन्स वर्ब का थर्ड फॉर्म रखा जाता है, और सबसे लास्ट में जो है तो ऑब्जेक्ट रखते हैं। तो आप इस रूल को ध्यान रखिए क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग आप इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे और फिर उसके थ्रू सेंटेंस जो है तो बनाना सीखेंगे। यहाँ इसका स्ट्रक्चर लिख लेते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल सेंटेंस। तो इसका स्ट्रक्चर हो जाता है सब्जेक्ट, फिर हैज, हैव में से एक रखेंगे, और मैंने आपको बता दिया है कि हैज कब रखेंगे, जब ही सी इट या कि कोई एक नाम रहे या कि कोई कर्ता कोई काम करने वाला एक हो तब हैज हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, और जब कोई कर्ता एक से अधिक हो तो उसके लिए हैव रखेंगे, और फिर भी थ्री रखेंगे, और फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट। इसी प्रकार स्ट्रक्चर ऑफ निगेटिव के लिए जो है तो यहाँ आप ये ध्यान में रखिए कि स्ट्रक्चर ऑफ निगेटिव सेंटेंस के लिए हम सब्जेक्ट फिर हैज, हैव के बाद जो है तो नॉट रखेंगे। बस इसमें डिफरेंस इतना ही रहेगा कि हमें हैज और हैव के बाद नॉट रख देना है, बाकी सेम जैसे सिंपल सेंटेंस में रहता है उसी तरह इसे कर देना है। तो सब्जेक्ट प्लस हैज है, फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट और भी थ्री रख देंगे, और लास्ट में ऑब्जेक्ट फिर फुल स्टॉप। तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट हैज है, उसके बाद नॉट, फिर भी थ्री और ऑब्जेक्ट। इसमें चाहे सिंपल की बात करें, निगेटिव की बात करें या इंट्रोगेटिव की, सभी में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है, तो आप ये भी बात ध्यान में रखें। इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसके लिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब रखेंगे हैज हैव में से कोई एक, लेकिन ये हैज हैव जो रखेंगे तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही रखेंगे, और इसके बाद जो है तो सब्जेक्ट फिर भी थ्री और लास्ट में ऑब्जेक्ट, और क्वेश्चन मार्क इसमें ज़रूर लगा देंगे क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इस तरह से ये इसके स्ट्रक्चर हो गए। अब हम इस टेंस के कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं इसी स्ट्रक्चर के थ्रू। तो आइए यहाँ राइट करते हैं, जैसे कि हम कोई इजी सेंटेंस लेते हैं कि मैं विद्यालय जा चुका हूँ, जा चुका हूँ, मैं विद्यालय जा चुका हूँ। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये कैसा सेंटेंस है। तो ये सिंपल सेंटेंस है, इसी को अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, मतलब साधारण वाक्य है।
मतलब ना तो इसमें नहीं लगा हुआ है, ना तो इसमें कोई क्वेश्चन कर रहा है, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस या सिंपल सेंटेंस है। तो इसको बनाने के लिए इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट राइट करना है, तो सब्जेक्ट यहाँ आई है। फिर इसके बाद हैज है में से एक लगाना है, तो यहाँ हम सब्जेक्ट देखेंगे तो आई है, तो आई यू बी दे के साथ ऑलवेज हैव लगता है, तो हैव राइट कर देंगे, आई हैव। फिर भी थ्री, तो वर्ब देखेंगे सबसे लास्ट में, तो जाना वर्ब है, तो जाना गो मीन्स होता है, तो गो का थर्ड फॉर्म गो वेंट गॉन हो जाएगा, तो यहाँ हम गॉन जो है तो राइट कर देंगे। और जाने के लिए हमेशा टू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, तो आई हैव गॉन टू, और विद्यालय को स्कूल बोलते हैं, तो स्कूल हो जाएगा, आई हैव गॉन टू स्कूल, इसका ट्रांसलेट हो जाएगा इंग्लिश में। इसी का यदि निगेटिव बनाना हो तो इसमें सिर्फ इतना डिफरेंस हो जाएगा कि हैज हैव के बाद हम नॉट का यूज कर देंगे, बाकी जो है तो सिंपल सेंटेंस जैसा ही पूरा सेंटेंस रहेगा। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, आई आई के साथ हैव लग जाएगा, और फिर नॉट का यूज कर देंगे, आई हैव नॉट, फिर इसी को सेम पूरा राइट कर देंगे, गॉन टू स्कूल हो जाएगा, आई हैव नॉट गॉन टू स्कूल। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब हैज हैव में से, तो यहाँ हैव लगाएंगे क्योंकि आई दिया है, आई यू वी दे के साथ मैंने बताया है कि हैव का यूज करेंगे, फिर नॉट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ गॉन है, सबसे लास्ट में जाना, और फिर प्रीपोजिशन टू, और विद्यालय को स्कूल, इसका मतलब हो जाएगा मैं विद्यालय नहीं जा चुका हूँ। अब इसी का यदि हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं कि क्या मैं विद्यालय जा चुका हूँ, तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले राइट कर देंगे, क्योंकि इसको हम इंट्रोगेटिव के स्ट्रक्चर के आधार पर बनाएंगे, तो सबसे पहले हैव, उसके बाद फिर जो है तो हम सब्जेक्ट राइट करेंगे, तो सब्जेक्ट आई है, तो आई हो जाएगा हैव आई, फिर गॉन, फिर टू, और यहाँ स्कूल हो जाएगा, और यहाँ हम क्वेश्चन मार्क जो है तो लगा देंगे। आप ये मार्क जरूर लगाइए, नहीं तो आपका सेंटेंस जो है तो फॉल्स हो जाएगा। अब यहाँ हिंदी में एक और अनुवाद लेते हैं कि तुमने पत्र लिख लिया है, लिख लिया है। तो देखिए इसे कैसे बनाएंगे, ये भी जो है तो अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो इसको अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर के आधार पे बनाएंगे, या कि कहें सिंपल सेंटेंस के स्ट्रक्चर के थ्रू। तो इसका स्ट्रक्चर ये है, सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यहाँ तुमने है, तो तुमने या तुम के लिए यू लगाएंगे, तो यू हो जाएगा। अब यू के साथ फिर से वही बात आती है कि हैज लगाएंगे कि हैव, तो हैव लगाएंगे क्योंकि आई यू वी दे के साथ हैव लगता है, तो यहाँ हैव राइट कर देंगे, यू हैव। अब सबसे लास्ट में जाएंगे तो हमें वर्ब मिलेगी, तो लिख लिया यहाँ दिया है, मतलब लिखना जो है तो वर्ब है, तो लिखना राइट होता है, तो राइट का जो है तो थर्ड फॉर्म राइट, रोट, रिटन हो जाएगा, तो यहाँ हम रिटन राइट कर देंगे, तो हो जाएगा यू हैव रिटन। और फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट देखेंगे, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पत्र दिया है, मतलब जिस पर कार्य हो रहा होता है उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं, तो पत्र पर कार्य हो रहा है, तो पत्र लेटर मीन्स होता है। लेकिन यहाँ ये भी समझना ज़रूरी है कि यहाँ तुमने या तुमने जो है तो एक पत्र जो है तो लिखा है, तो एक का बोध हो रहा है, इसलिए हम आ लेटर राइट कर देंगे, मतलब आर्टिकल्स का यूज कर देंगे इसमें, तो हो जाएगा यू हैव रिटन अ लेटर। अब इसी को यदि हम निगेटिव सेंटेंस बनाना चाहें तो इसका हो जाएगा यू, मतलब इस स्ट्रक्चर के थ्रू बनाएंगे, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, तो यू राइट कर दिए, हैज हैव तो वही हैव राइट करेंगे, मतलब कोई चेंजेस नहीं करना है, सिर्फ नॉट लगा देना है, बाकी सिंपल के अकॉर्डिंग पूरा राइट कर देना है, तो यू हैव और नॉट हो जाएगा, यू हैव नॉट। और फिर इसके बाद जो है तो वही भी थ्री, मतलब रिटेन लास्ट में जाएंगे तो रिटेन हो जाएगा, यू हैव नॉट रिटेन, और फिर वही ऑब्जेक्ट, तो आ लेटर हो जाएगा, तो
तो इस तरह से इसका निगेटिव बनाएंगे तो हो जाएगा यू हैव नॉट रिटन अ लेटर, इसका मतलब हो जाएगा कि तुमने पत्र नहीं लिखा है। अब यदि हम इसी का इंट्रोगेटिव बनाना चाहें तो इंट्रोगेटिव में भी जो है तो सिर्फ इतना डिफरेंस करना है कि हेल्पिंग वर्ब को हमको पहले राइट करना है और सब्जेक्ट को जो है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में, और नॉट जो है तो हटा देना है और बाकी सेंटेंस उसी तरह हमको राइट कर देना है। तो आइए इसको इंट्रोगेटिव बनाते हैं। तो सबसे पहले हैव हो जाएगा क्योंकि इंट्रोगेटिव के स्ट्रक्चर में पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर V3, फिर ऑब्जेक्ट होता है। तो हैव मैंने राइट कर दिया। इसके बाद जो है तो सब्जेक्ट राइट करेंगे। तो सब्जेक्ट यहाँ यू है तो यू को मैंने राइट कर दिया हैव यू, और नॉट हटा देंगे क्योंकि इंट्रोगेटिव बना रहे हैं प्रश्नवाचक। इसके बाद जो है तो रिटन राइट करेंगे तो रिटन हो जाएगा हैव यू रिटन, फिर इसके बाद आ लेटर हो जाएगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो इस तरह से इसका ट्रांसलेट हो जाएगा हैव यू रिटन अ लेटर। यहाँ जैसे एक और सेंटेंस लेते हैं, जैसे कि उसने गुब्बारे उड़ाए हैं, उसने गुब्बारे उड़ाए हैं। अब सबसे पहले हम इस टेंस की पहचान करते हैं। तो हमने आपको बताया कि यदि लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हों, या कि आ है, ई है, ए हैं से रिलेटेड कुछ भी हो तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कहलाता है। तो लास्ट में ए है की मात्रा लगा है सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देखते हैं कि इसमें कौन सा स्ट्रक्चर लगेगा। तो ये सिंपल सेंटेंस है सो ये वाला स्ट्रक्चर जो है तो इसमें हम लगाएंगे। तो यहाँ उसने दिया है तो उसने या वह एक ही होता है, तो वह या उसने के लिए यहाँ हम ही या सी का प्रयोग करेंगे। यदि हम लड़के को बोल रहे हैं तो ही का, और लड़की को बोल रहे हैं तो सी का यूज करेंगे। तो यहाँ हम लड़के को बोल रहे हैं तो ही लगाएंगे तो ही हो जाएगा। अब इसके बाद जो है तो सिंपल सेंटेंस है तो इसके बाद हैज हैव का यूज करेंगे। तो यहाँ ही के साथ हैज लगाएंगे क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब ही सी इट या कि कोई एक नाम हो तो उसके साथ हैज का यूज करते हैं। तो यहाँ हैज हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे ही हैज। अब यहाँ उड़ाना किसके मीन्स होता है, फ्लाई मीन्स। तो फ्लाई का जो है तो थर्ड फॉर्म फ्लोन हो जाएगा क्योंकि फ्लाई का थर्ड फॉर्म होता है फ्लाई, फ्लू, फ्लोन। तो यहाँ हम फ्लोन राइट कर देंगे FLOWN, तो यहाँ फ्लोन हो जाएगा ही हैज फ्लोन। और गुब्बारा बैलून मीन्स होता है, लेकिन एक गुब्बारे की बात नहीं हो रही है इसलिए हम एस लगा देंगे। तो यहाँ बैलून्स हो जाएगा और ये फुल स्टॉप राइट कर देंगे ही हैज फ्लोन बैलून्स। अब इसी को यदि हम निगेटिव बनाना चाहें तो हैज के बाद नॉट लगा देंगे, बाकी सेम उसी तरह रहेगा। तो ही हैज नॉट फ्लोन बैलून्स और लास्ट में फुल स्टॉप। यदि इसी का इंट्रोगेटिव बनाना चाहें तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैज, उसके बाद ही, नॉट हटा देंगे, फ्लोन और फिर बैलून्स राइट कर देंगे। तो ये इंट्रोगेटिव जो है तो सेंटेंस बन जाएगा हैज ही फ्लोन बैलून्स। इसका मतलब हो जाएगा कि क्या उसने गुब्बारे उड़ाए हैं, और इसका मतलब जो कि मैंने आपको बताया ही हैज नॉट फ्लोन बैलून्स, इसका मतलब उसने गुब्बारे नहीं उड़ाए हैं। तो इस तरह से आपके तीनों जो है तो ट्रांसलेट इंग्लिश में हो जाते हैं। इसी तरह हम एक और अनुवाद लेते हैं, जैसे कि मोहन अंग्रेजी बोलता है, अंग्रेजी बोलता है, मोहन अंग्रेजी बोलता है। तो देखिए इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे। ये सिंपल सेंटेंस है तो सिंपल सेंटेंस के स्ट्रक्चर के थ्रू बनाएंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ मोहन है। अब यहाँ ये भी ध्यान रखना है कि नाम एक है, तो मैंने आपको बताया यदि एक नाम हो या कि सिंगुलर सब्जेक्ट हो, एक वचनकर्ता हो, तो उसके साथ हैज लगाते हैं, तो मोहन हैज हो जाएगा। अब इसके बाद जो है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वर्ब सबसे लास्ट में मिलती है तो बोलना वर्ब है। तो बोलना किसके मीन्स होता है, स्पीक मीन्स होता है। तो स्पीक का थर्ड फॉर्म हो जाएगा स्पीक, स्पोक, स्पोकन। तो यहाँ हम स्पोकन राइट कर देंगे मोहन हैज स्पोकन,
और फिर ऑब्जेक्ट राइट करेंगे तो इंग्लिश हो जाएगा। तो इस तरह से इसको ट्रांसलेट कर लेंगे, मोहन हैज स्पोकन इंग्लिश। अब इसी का यदि निगेटिव बनाना है तो निगेटिव के स्ट्रक्चर के थ्रू बनाएंगे, तो इसका हो जाएगा मोहन, और वही मोहन के साथ हैज हेल्पिंग वर्ब राइट करेंगे तो मोहन हैज, और इसके बाद नॉट का यूज कर देंगे तो नॉट हो जाएगा, मोहन हैज नॉट स्पोकन, मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म जो है तो राइट करेंगे तो स्पोकन हो जाएगा, मोहन हैज नॉट स्पोकन। फिर ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट सबसे लास्ट में होता है, सो यहाँ ऑब्जेक्ट मतलब जिस पर कार्य हो रहा तो अंग्रेजी है तो इंग्लिश राइट कर देंगे। आपको यही ध्यान में रखना है कि जब निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो उसको सिंपल सेंटेंस के थ्रू ही बनाते हैं, सिर्फ जो है तो डिफरेंस इतना होता है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज कर देते हैं। अब यदि इसी को हम इंट्रोगेटिव में बनाते हैं तो इसका हो जाएगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब राइट करेंगे क्योंकि हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले होती है, तो हैज राइट कर दिए, इसके बाद मोहन राइट कर देंगे, मोहन हो जाएगा हैज मोहन, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब का के बाद जो है तो सब्जेक्ट, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट राइट किया जाता है। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वर्ब सबसे लास्ट में, तो बोलना स्पोकन हो जाएगा, और फिर लास्ट में इंग्लिश राइट कर देंगे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह बन जाएगा कि हैज मोहन स्पोकन इंग्लिश, क्या मोहन अंग्रेजी बोलता है। अब एक तरह से और भी कभी कभी सेंटेंस आ जाता है जबकि बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड आ जाता है, जैसे कि मोहन अंग्रेजी क्यों बोलता है, या कि मोहन अंग्रेजी कब बोलता है, मोहन अंग्रेजी कैसे बोलता है। इस तरह के जब बीच में क्वेश्चन वर्ड आ जाते हैं तो उसको थोड़ा डिफरेंस टाइप में जो है तो बनाते हैं, तो उसको भी मैं यहाँ आपको बता दे रहा हूँ कि उसके लिए आपको, जैसे कि मान लीजिए यहाँ बना रहे हैं कि मोहन अंग्रेजी कैसे बोलता है, तो सबसे पहले यहाँ हम क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी बनाएंगे, उसके बाद जो है तो हम स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रोगेटिव ये जो दिया है इसके थ्रू जो है तो बना देंगे। तो जैसे कि मोहन अंग्रेजी कैसे बोलता है, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड कैसे दिया है, तो कैसे के लिए हम हाउ लगाएंगे, तो हाउ मैंने राइट कर दिया क्योंकि यहाँ दिया था मोहन अंग्रेजी कैसे बोलता है, तो कैसे के लिए मैंने हाउ राइट कर दिया। अब इसी बेस पे पूरा बना देंगे, तो सबसे पहले हैज है में से, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो मोहन मतलब एक वचन में है तो हैज लगाएंगे, हाउ हैज हो जाएगा, और इसके बाद फिर सब्जेक्ट राइट करेंगे तो वही मोहन, तो मोहन हो जाएगा, हाउ हैज मोहन, फिर वही वर्ब का थर्ड फॉर्म स्पोकन, और इंग्लिश राइट कर देंगे। इसमें आप ये ध्यान दीजिए कि थोड़ा सा डिफरेंस हुआ है, जो क्वेश्चन वर्ड है उसको पहले मैंने लिख दिया है, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट मैंने राइट किया है। इसका मतलब हो जाएगा कि मोहन अंग्रेजी कैसे बोलता है। अब यहाँ जैसे एक और दिया है कि मोहन और सोहन मैच जीतते हैं। मोहन और सोहन मैच जीतते हैं, तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस है तो इसके स्ट्रक्चर के आधार पे बनाएंगे, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यहाँ मोहन और सोहन दोनों कहलाएंगे, तो मोहन एंड सोहन राइट कर देंगे, मोहन एंड सोहन। इसके बाद जो है तो हेल्पिंग वर्ब राइट करेंगे, तो यहाँ एक से ज़्यादा नाम है तो एक से ज़्यादा नाम के लिए हैव का यूज करते हैं, तो हैव लगा देंगे, और इसके बाद जो है तो भीतरी, तो लास्ट में वर्ब मिलती है तो जीतना, वन मीन्स होता है, तो वन मतलब विन मीन्स जीतना, तो विन का थर्ड फॉर्म होता है विन, वन, वन, तो वन राइट कर देंगे, मोहन एंड सोहन हैव वन, फिर द राइट करेंगे, और यहाँ मैच राइट कर देंगे, और ये लास्ट में फुल स्टॉप। मैच की स्पेलिंग यहाँ मैंने MATCH राइट की है, तो इस तरह हो जाएगा मोहन एंड सोहन हैव वन द मैच। इसी को यदि हम निगेटिव बनाना चाहें तो मोहन एंड
Shohan have not won the match. Won the match हो जाएगा. और यदि इसी को हम इंट्रोगेटिव बनाना चाहें तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब तो हैव राइट कर देंगे, उसके बाद मोहन एंड शोहन, मोहन एंड शोहन राइट कर देंगे, इसके बाद वन, फिर द मैच और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जो है तो लगा देंगे. तो हो जाएगा हैव मोहन एंड शोहन वन द मैच. अब इसी का यदि हो जाए कि मोहन और सोहन मैच कैसे जीतते हैं, तो इसको हम बना देंगे हाउ. हाउ के बाद वही पहले हेल्पिंग वर्ब हैव राइट करेंगे, तो हाउ हैव मोहन एंड सोहन, मोहन एंड सोहन वन द मैच हो जाएगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क. मतलब इसका मतलब हो जाएगा कि मोहन और सोहन मैच कैसे जीतते हैं, हाउ हैव मोहन एंड सोहन वन द मैच. तो इस तरह से आप और भी सेंटेंसेस के जो है तो एग्जांपल्स लेकर उनको ट्रांसलेट इंग्लिश में कर सकते हैं. अब आइए एक ऐसा सेंटेंस इसी टेंस में बनाते हैं जो कि लॉन्ग टाइप में रहता है और कभी कभी जो है तो एग्ज़ाम में आ भी जाता है. जैसे कि हम यहाँ लिखते हैं कि डॉक्टर के आने से पहले, आने से पहले रोगी मर चुका है, चुका है. ये एक सेंटेंस है कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका है. तो इसको भी देखिए, लास्ट में चुका है मतलब हम समझ जाएंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, लेकिन इसको बनाने का रूल थोड़ा दूसरा है. आप उसको समझिए, हम बनाएंगे इन्हें स्ट्रक्चर के थ्रू, बट थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत है. तो यहाँ देखिए, डॉक्टर के आने से पहले इस सेंटेंस को यदि हम देखें तो इसका कोई मतलब वो वैसे निकलता नहीं है. मतलब यदि हम सेंटेंस की दृष्टि से देखें तो ये जो है तो ऐसा सेंटेंस है कि इस पर कोई कार्य जो है तो नहीं हो रहा है. जबकि यदि हम इधर देखें, ये पहले के बाद वाला सेंटेंस रोगी मर चुका है, तो यहाँ ऐसा कुछ हमें प्रतीत हो रहा कि यहाँ पर जो है तो कार्य हो रहा है, मतलब रोगी मर चुका है. मतलब यहाँ हम ये कह सकते हैं कि रोगी मर चुका है, मतलब यहाँ ये कार्य हो रहा है. तो यहाँ हम सबसे पहले पहले के बाद वाले सेंटेंस को हम बना लेते हैं, क्योंकि रोगी मर चुका है इतना तो हम बना सकते हैं, क्योंकि चुका है लगा है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है. इतना मतलब पूरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, बट इसको पहले हम बनाएंगे. तो यहाँ हम राइट कर देंगे द पेशेंट, द पेशेंट हैज, द पेशेंट हैज, क्योंकि रोगी है तो रोगी के साथ हैज लगाएंगे. और मरना जो है तो डाई मीन्स होता है, तो डीड हो जाएगा डी आई ई डी, द पेशेंट हैज डीड. अब इसको जब हम बना लेंगे तो यहाँ से लौटना शुरू करेंगे, तो पहले बिफोर मीन्स होता है, तो बिफोर राइट कर देंगे बिफोर. अब इसके बाद जो है तो फिर यहाँ शुरू से लेकर के बना देते हैं, तो बिफोर, फिर डॉक्टर, तो द डॉक्टर, क्योंकि डॉक्टर के बारे में जानकारी है तो यहाँ भी द लग जाएगा, तो बिफोर द डॉक्टर. और फिर यहाँ आना कम मीन्स होता है, तो केम राइट कर देंगे. अब यहाँ मैंने वर्ब का सेकंड फॉर्म इसलिए लगाया है क्योंकि यहाँ डॉक्टर के आने से पहले ये पास्ट टेंस का बोध करा रहा, पास्ट इंडेफिनिट का, तो यहाँ हम वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाए हैं. तो हो जाएगा द पेशेंट हैज डीड बिफोर द डॉक्टर केम. जैसे यहाँ हम एक और सेंटेंस लेते हैं इसी टाइप्स का कि स्टेशन पहुँचने से
पहले रेलगाड़ी छूट चुकी है। स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी छूट चुकी है, तो ये भी जो है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। तो इसको बनाने के लिए फिर से हम वही करेंगे जो कि मैंने इस सेंटेंस में किया है। पहले के बाद वाले सेंटेंस को पहले बनाएंगे क्योंकि कार इस पर हो रहा है। तो रेलगाड़ी छूट चुकी है, इसको हम बनाएंगे। तो रेलगाड़ी ट्रेन मीन्स होता है, तो द ट्रेन राइट कर देंगे, द ट्रेन हो जाएगा। और वही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग, मतलब सिंपल सेंटेंस है तो हैज लगा देंगे क्योंकि द ट्रेन एक है तो हैज का यूज, तो द ट्रेन हैज राइट कर देंगे। अब छूटना जो है तो लीव मीन्स वैसे होता है छोड़ना, तो लीव का लेफ्ट हो जाएगा, तो द ट्रेन हैज लेफ्ट हो जाएगा थर्ड फॉर्म। लीव लेफ्ट लेफ्ट होता है, तो द ट्रेन हैज लेफ्ट हो जाएगा। इतना मैंने बना लिया। अब इसके बाद यहाँ से वापस लौटेंगे पहले से लेकर के, तो सबसे पहले किसके मीन्स होता है बिफोर, तो बिफोर राइट कर देंगे। अब इसके बाद जो है तो स्टेशन राइट करेंगे, तो द स्टेशन यहाँ राइट कर लेते हैं, द स्टेशन। और फिर पहुँचना किसके मीन्स होता है अराइव, तो अराइव राइट कर देते हैं, द स्टेशन अराइव्ड हो जाएगा। तो इस तरह से इसको हम बना लेंगे, द ट्रेन हैज लेफ्ट बिफोर द स्टेशन अराइव्ड, मतलब यहाँ हम सेकंड फॉर्म लगा देंगे जैसे कि इसमें मैंने लगाया था। तो इस प्रकार से इस प्रकार के सेंटेंसेज को भी इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि इस वीडियो को लेकर आपको किसी प्रकार की कोई कन्फ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें। और यदि आप इसी प्रकार के और भी वीडियोज़ प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन दबा लें, जिससे जब भी हम इस प्रकार की कोई वीडियोज़ डालें तो आपको टाइम से उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।